सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए आटे से बनी हुई बहुत ही अच्छी ढोकले लेके आई हूँ और साथ में उसकी दाल बनाई है। उसके लिए मैंने 2 कटोरी मोटा आटा लिया है, उसमें करीबन 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला है, साथ में थोड़ा सा हमने जीरा डाला है, फिर हमने बारीक क्रश किए हुए साबुत धनिया डाल दिए हैं, 2 बारीक हरी कटी हुई मिर्च डाली है, 1 मीडियम साइज का प्याज डाल दिया है, थोड़ी सी हमने अदरक कस के डाल दी है, फिर हमने उसमें थोड़े से लहसुन भी डाल दिया है। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट करने लिए बेकिंग सोडा डाल देंगे, इससे ढोकले काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। फिर हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, फिर हमने मोयन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, फिर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी लेके उसको एक डो बना लेंगे। इस तरीके से हमने उसको गूंथ लेना है, ये अच्छे से गूंथ जाएगा, फिर इसका डो बन के तैयार हो चुका है। इसको करीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के रख दे। फिर हमने पंचमेल दाल के लिए हमने ये दाल ली है, 1 कटोरी दाल को हमने अच्छे से धो लिया है, फिर हम उसमें नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के उसको बॉयल कर लेंगे जब तक वो अच्छे से पक नहीं जाती है। सभी मसालों को डाल के हमने उसको गर्म करने के लिए रखा है और अच्छे से उबाल लिया है। ये देखिए हमारी इस तरीके से दाल उबल के तैयार हो गई है। अब हम तड़का लेंगे, उसके लिए 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, फिर हम उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, साथ में मैंने 1 तेज़पत्ता डाल दिया है, फिर इसमें 2 या 3 हमने लौंग डाल दिए हैं, थोड़ी सी हमने उसमें हींग डाली है, उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। फिर हम उसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको, थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम 1 मीडियम साइज का टमाटर लेंगे और वो भी डाल देंगे, अच्छे से उसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर हमने कलर देने के लिए 1/2 चम्मच देगी मिर्च का पाउडर डाला है और मसाले को अच्छे से भून दिया है। फिर हम उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, ये दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। देखिए गरम मसाला हमने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने हैं। इस तरीके से पका लेना है। फिर हमने जो दाल बॉयल करके रखी है उसको हम उसमें डाल देंगे और अच्छे से बॉयल आने तक उसको पका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी दाल जो है वो उबाल आने पे रखी हुई है। फिर हम उसमें बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे। इस तरीके से ये हमारी दाल बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। और ये विशेषकर मैंने ढोकले के लिए साथ ही दाल बनाई है। ये देखिए हमारी दाल तैयार हो गई है। तब तक हम साइड में ढोकले बनाएंगे। इस तरीके से हम एक लोई लेंगे और उसको हाथ से ऐसे लोई बना के बीच में एक छेद बना के उसको ढोकला बना लेंगे। सारे ढोकले इसी तरीके से अपने को तैयार कर लेने हैं। फिर प्लेट में थोड़ा सा ग्रीस करके उन ढोकलों को रख देंगे। मैंने इडली वाले स्टैंड में स्टीमर गरम करने के लिए रख दिया है और प्लेट में तेल लगा के ढोकलों को रख दिया है स्टीम होने के लिए। करीबन 25 मिनट तक हम उसको स्टीम होने देंगे ताकि हमारे ढोकले अच्छे से पक जाएं। ये देखिए इस तरीके से 25 मिनट बाद हमारे ढोकले तैयार हो गए हैं और अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। उसको घी डाल के हमने सर्व किया है। साथ में मैंने टमाटर की चटनी बनाई है और दाल के साथ ये ढोकले खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने बारिश के सीजन में ये विशेष तौर पर मैं बहुत बार बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है।